महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार। मैं साधना सिन्हा, अध्यक्ष महिला शक्ति सामाजिक समिति, आज यहाँ हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, पूरे शहर के लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात के लिए कि हाल ही में जो अभी इतनी बड़ी दुर्घटना कहें इसको, इतनी बड़ी दुर्घटना हैदराबाद में हुई है, एक हमारी बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ, हम उसका विरोध दर्ज करने यहाँ खड़े हुए हैं। विरोध से भी ज़्यादा हम सरकार से, राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल जी को लिख रहे हैं कि हमें, हमारी ये मांग है कि इस तरह के केसेस में जो सजा सुनाई जाती है वो बिल्कुल समयबद्ध हो, ये सजा समयबद्ध तरीके से सुनाई जाए। मतलब समयबद्ध का मतलब कि एक महीने के अंदर, तो एक महीने के अंदर सजा सुनाई नहीं जाए, सजा दे दी जाए एक महीने, और फांसी से कम पर तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। इस तरह के जघन्य अपराध पे अगर, हमारा ये मानना है कि अगर दो चार केसेस में भी एक महीने के अंदर अगर ये फांसी दे दी गई दो चार लोगों को, तो ये घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। लोग डरेंगे, कुछ भी करने के पहले लोग 100 बार सोचेंगे कि अगले ही एक महीने के अंदर हम लटक जाएंगे फांसी में। ये तो यही हमारा, सरकार से हमारी विनती है कि कानून में जो भी बदलाव करने की जरूरत हो वो करें।